हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम और आप है साइलेंट ट्रेडर पे। लास्ट कुछ दिनों में मैं थोड़ा अन अवेलेबल था, आज दिखाने वाला हूँ कमिंग डेज में चार ऐसे स्टॉक जो आपको शायद एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप होल्डिंग पैटर्न में काम करते हो तो। तो आज स्टार्ट करते हैं चारों जो स्टॉक है उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देंगे कैसे एंड क्यों मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा होने वाला है। उसके पहले थोड़ा बहुत निफ्टी का डिटेल्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का सिनारियो है जिसमें आप देख सकते हो एक छोटा सा ब्रेकआउट आ गया है। ये जो पैटर्न है इस पैटर्न मैं डेली बेसिस में देख पा रहा हूँ। NCCI में एक छोटा सा ब्रेकआउट आ चुका है तो निफ्टी शायद ऊपर थोड़ा बहुत भाग भी सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं बैंक निफ्टी के बात बोलूँ तो इसको आप देख पा रहे हो एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग एंड ये है एक नेगेटिव ट्रेंडिंग। एंड पैटर्न को अगर ऊपर से थोड़ा कनेक्टिविटी रखे तो आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर इसको आप देख पाओ कि क्रॉस होके ऊपर भाग रहा है तो बैंक निफ्टी पे भी आपको एक वेरी गुड अप मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जो चीज चारों स्टॉक को मैं रिकमेंड करूँगा उसमें से अगर आप देखोगे तो वेरी कॉमनली बैंकिंग सेक्टर में मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग में मैं लास्ट कुछ स्टॉक में चेक कर रहा था उसमें आप देख सकते हो कि ए एक्सिस बैंक है जिसमें नेगेटिव ए पॉजिटिव। एंड अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो इसको ब्रेकआउट मिलने वाला है तो इस ब्रेकआउट से अगर ठीक ठाक ब्रेकआउट मार दे तो एक्सिस बैंक में आपको करीबन 2-3% एंड मैक्स टू मैक्स 5% का आपको टारगेट आ जाएगा। मैं आपको 3% का टारगेट दे रहा हूँ, दैट मींस करीबन 20 रुपये के आसपास। दैट मींस आपको 708 और 705 के 705 रुपये के ऊपर आपको टारगेट मिल जाएगा और उसके ऊपर भी आपको टारगेट मिल सकता है। अगर स्टेट बैंक सॉरी एक्सिस बैंक इस लेवल को तोड़े दैट मींस 716 के ऊपर अगर एक्सिस बैंक चला जाए तो आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद स्टेट बैंक में थोड़ा आते हैं कि स्टेट बैंक में क्या ब्रेकआउट दिखा रहा है। स्टेट बैंक भी एक ही चीज़ दिखा रहा है कि इसका जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट होने वाला है। आप देख सकते हो कि इसको भी ब्रेकआउट देखने को हम लोग को मिल सकता है अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखे तो। तो स्टेट बैंक में भी अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो इसको भी आप 4% दैट मींस 15-16 रुपये के ऊपर आपको मिल सकता है। दैट मींस आपको 370 के ऊपर 375 के आसपास आपको टारगेट मिल सकता है। दैट मींस इस लेवल पे, तो इस लेवल पे एक बार अगर टारगेट मिल जाए तो आप ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद और एक स्टॉक है जिसमें मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो है बजाज का ही स्टॉक है, बजाज ऑटो है। मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पर है बजाज ऑटो, यहाँ पर बजाज ऑटो में भी आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग चल रहा था एंड ये ट्रेंडिंग नेगेटिव में था। एंड इसका अगर ब्रेकआउट मान के चलो तो इसका ब्रेकआउट भी ये ऑलरेडी दे चुका है मगर मेरे ख्याल से और भी एक्सेप्शनल ब्रेकआउट दे सकता है। आप अगर मान के चलो कि इसका जो टारगेट है ये टारगेट नियर अबाउट आपको 3780 के ऊपर दैट मींस 100 रुपये के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा। दैट मींस 3% के ऊपर टारगेट मिल जाएगा क्योंकि इसमें भी एक क्लियर कट CCI डाइवर्जेंसी मैं देख पा रहा हूँ। एंड आप लोग समझ सकते हो कि ये CCI डाइवर्जेंसी पैटर्न है जिसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंसी दिखाया है। एंड बजाज ऑटो में भी
उसको आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। ये जितने सारे स्टॉक बोल रहा हूँ, इस स्टॉक को आप डेली बेसिस ट्रैक करना है, इंट्राडे ट्रैक नहीं करना है, दैट मीन्स होल्डिंग पैटर्न में। तो आप अगर इस स्टॉक को आप ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप शौकीन हो कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक अच्छा सा स्टॉक चाहिए, तो मारुति इस टाइम पे एक लेवल दिखाया है जिसमें एक पॉजिटिव CCI ट्रेंडिंग दिखा रहा है, मगर अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो ब्रेकआउट के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो आप मारुति पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर स्मॉल क्वांटिटी पे मारुति को परचेज करना चाहते हो तो आप इस लेवल से थोड़ा बहुत परचेज स्टार्ट कर सकते हो। 6,865 चल रहा है, तो इसका जो लास्ट जो लेवल है, जो 6,400 के आसपास जो लेवल है, 300 के आसपास जो लेवल है, इसके ऊपर भी आप एवरेज कर सकते हो। दैट मीन्स 5% के नीचे, सॉरी 500 रुपये के नीचे आप एक बार एवरेज कर सकते हो। मगर आप अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर परचेस कर सकते हो, उसके बाद परचेस यहाँ पर करिए, उसके बाद थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपको और भी नीचे आया तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि कहाँ पर मैं बाई करूँ। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो तो आपको मैं उसका लेवल भी बोल दूंगा। मगर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा टाइम है मारुति पे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि मारुति का प्राइस बहुत ऊपर था, 8,300 के ऊपर था एंड अभी 6,800 के आसपास है, तो मारुति में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। लास्ट एक स्टॉक दिखा रहा हूँ जो रिकमेंडेड नहीं है मगर बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस किया है। आप देख सकते हो कि ये जो भारती एयरटेल है, इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग CCI में दिखाया था एंड इसका जो ब्रेकआउट है आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत सा ब्रेकआउट आया है 528 पे। उसके बाद स्टॉक 546 तक चला गया था, हाई मारा तो दैट मीन्स एक 20 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट मिल गया होगा अगर आप CCI पॉजिटिव ट्रेंडिंग फॉलो करते हो तो, और CCI का जो मेथड है, जो ट्रिक्स है वो फॉलो करते हो तो। ये था आज का मामला। अगर इस वीडियो में आप 10 भी लाइक दे दो एंड सब्सक्रिप्शन जो है इससे ऊपर, दैट मींस 125 के सब्सक्रिप्शन हैं, दैट मींस और 8 सब्सक्रिप्शन अगर हो जाए, मैं एक मल्टीवेगर स्टॉक को रिकमेंड करूंगा इसी चैनल पे। इसी वीडियो में अगर आप 10 लाइक दे दो एंड इस चैनल को 125 सब्सक्राइबर अगर हो जाए तो मैं इसी चैनल पे एक मल्टीवेगर कॉल दूंगा, जिसका आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हो कि एक साल में कितना टारगेट होगा। उसको मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी तरह से उसका मैं छानबीन किया हो, टेक्निकली दिखा हो, तो सबका सभी डिटेल्स मैं बोलूँगा एंड दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर इस वीडियो में 10 लाइक हो जाता है कि टारगेट लाइक, जो लाइक का जो टारगेट है वो 10 है, ओनली 10 है एंड 8 सब्सक्राइबर चाहिए, जिसमें मेरा 125 सब्सक्राइबर हो जाएगा, जिसमें मुझे उस स्टॉक को रिवील करने में मज़ा आएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़ एंड ट्रिक्स। बाय बाय।